दोस्तों आपसे गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल स्टोरीज बाय सुफियान को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उसके बाद बीवी शौहर का हक कैसे अदा करे, सिर्फ एक हदीस पाक। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए और उससे पीप बहने लगे और वो औरत उस पीप को अपनी जबान से चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। हालांकि जबान से पीप को चाट कर साफ करने की इजाजत नहीं है, ये सिर्फ हुकूक की अहमियत बताने के लिए एक मिसाल दी गई है। जैसे मिसालें दी जाती है, मिसाल दी गई है कि शौहर के बदन के फोड़ों का पीप अगर औरत जबान से चाट चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। यहाँ पर उन औरतों को चाहिए कि हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती और औरतें शौहर की शिकायत लेकर अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है, अपनी बहनों को सास और ससुर और नंदों की शिकायत करने लगती है। अच्छी तरह याद रखना कि यह इस्लामी नुक्ते नजर नहीं है। हम दरअसल आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं ताकि हम निकाह की तरफ बढ़ें। आज सबसे बड़ा मैटर यह है कि हम इस दवाजी जिंदगी सीरियल और फिल्मों को देखकर गुजार रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तलाक की नौबत आ रही है। हम फिल्मों को और सीरियल को देखकर इस दवाजी जिंदगी न गुजारें, बल्कि हम मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़कर अपनी इस दवाजी जिंदगी को गुजारें तो इंशाल्लाह कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी। सीरियल वालों की जिंदगी 3-4 घंटे की होती है, अपनी जिंदगी 3-4 घंटे की नहीं है। इसलिए कौम की बेटियों को मेरा पैगाम ये है, सीरियल देखकर सास के साथ सुलूक करना मत सीखो, सीरियल और फिल्में देखकर नंदों के साथ और शोहर के साथ सुलूक करना मत सीखो। अगर सुलूक करना सीखना है तो उम्मुल मोमिनीन आयशा को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया को देख करके अपनी घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब और उम्मे सलमा को देख करके अपनी इज्दवाजी जिंदगी तरीका सीखो। और मर्दों को चाहिए कि वो हीरो और सीरियल के अदाकार को अपने लिए आइडियल बनाने की बजाय अल्लाह के नबी की जिंदगी को आइडियल बनाएं।